दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ज्वार की टॉप उन्नतशील किस्मों के बारे में। जी हां दोस्तों, दाना उत्पादन हेतु ज्वार की कौन सी किस्म लगाएं और पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में कौन सी किस्म लगाएं। आप लोग ये देख सकते हैं जो ज्वार की फसल आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, यह है गुडविल कंपनी की ज्वार। जी हां, मात्र 35 दिन की यह फसल हुई है और अभी अभी चूँकि बरसात और आंधी थमी है तो ये फसल जो है थोड़ी आड़ी पड़ गई है ज़मीन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी हाइट इसने ले रखी है, बहुत ही अच्छी बढ़वार है और पत्तियों की चौड़ाई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जिससे पशुओं को अधिक से अधिक मात्रा में हरा चारा मिलता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले पशुओं के हरे चारे के लिए कुछ अच्छी किस्में, जैसे विजेता 100 से 110 दिन की किस्म है। इसके अलावा पूसा चरी 105 से 110 दिन की, श्रीराम की है 5001, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ पूसा, जैसे हरियाणा से एक कटाई वाली किस्में हैं जो मात्र एक कटाई देती है। हरियाणा चरी 136, हरियाणा चरी 171, हरियाणा चरी 260। इसके अलावा मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक से अधिक कटाई वाली यानी ज़्यादा बाड़ देने वाली ज्वार की टॉप किस्में, जिसमें सबसे प्रमुख आती है मीठी सूडान, जिसका उपनाम है SSG 59। दूसरी किस्म आती है सफ़ेद मोती, जिसका उपनाम है SH 9279। जी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ बीज की मात्रा कितनी रखें और बीज को कितनी गहराई पे बोना चाहिए। तो ज्वार के बीज को 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर गहराई पे बोएं। बीज की मात्रा की बात करें तो यदि आप हरे चारे के लिए बोते हैं तो प्रति एकड़ आपको 18 से 24 किलोग्राम बीज बोना है, और यदि आप दाने के लिए बोते हैं तो आपको 5 से 6 किलो बीज भी प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। तो यदि आप ज्वार की फसल पशुओं के हरे चारे के लिए ले रहे हैं तो 18 से 24 किलोग्राम बीज दर है प्रयोग करें। उन्नत किस्में हमने आपको बताई, उन्हीं किस्मों का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में भी आपको हर एक किसान उपयोगी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।